के अंदर सैमसंग का ये वाला टैबलेट आपको बिल्कुल एक बार चेकआउट करना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ गाइस सैमसंग टैब A9 प्लस की, और करंटली अमेजोन पे इसका प्राइस देखोगे तो आपको 15,000 के नीचे 14,000 रुपए में मिलेगा विद SBI बैंक डिस्काउंट। चलिए गाइस आज के इस रिव्यू को जल्दी से शुरू करते हैं। फिलहाल आपके कुछ भी सवाल हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। सबसे पहले इसकी बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में बात करें तो कंप्लीटली गाइस आपको एल्यूमिनियम फिनिश मिलता है यहाँ पे, कंप्लीट मेटल बॉडी है यहाँ पे। वहीं पे आपको क्वाड स्पीकर्स मिलते हैं जिसका एक्सपीरियंस मैं आपको आगे बताऊंगा, जो कि अमेजिंग है। वहीं पे इसकी वेट बैलेंसिंग आप लोग देख सकते हो, एक उंगली पे मैं यहाँ पे स्टेबल कर रहा हूँ इसको, देख सकते हो काफी इजीली देखो स्टेबल हो जाता है। 500 ग्राम का ये टैबलेट है और देखो कितनी तगड़ी यहाँ पे वेट बैलेंसिंग दी गई है। बाकी ये वाला गाइस वाईफाई वेरिएंट है तो इसमें आप मेमोरी कार्ड डाल सकते हो 1 TB तक। बाकी आप अगर 5G वाला वेरिएंट खरीदते हो तो उसमें एक नैनो सिम भी पड़ जाता है। बाकी साइड में आपको पावर ऑन ऑफ बटन दिया है, वॉल्यूम रॉकर्स दे रखे हैं। इस साइड आप देख सकते हो आपको एक माइक मिलता है, दो स्पीकर ऊपर है, वहीं पे आपको नीचे की तरफ कीबोर्ड कनेक्टर भी मिल जाता है। अगर आप एक्सेसरीज खरीदते हो ऑफिशियल सैमसंग का कीबोर्ड तो आप इसको कनेक्ट भी कर सकते हो, तो कंप्लीट आपका एक लैपटॉप एक्सपीरियंस मिल जाएगा अंडर 15,000 rupees। बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये एक डेफिनेटली काफी सॉलिड टैबलेट है और आपको ज्यादा हैवी भी नहीं फील होता है लंबे टाइम तक इसको अगर होल्ड करके भी रखोगे। अब दोस्तों जरा इसके डिस्प्ले एस्पेक्ट की बात करें तो आपको इसमें देखिए TFT LCD डिस्प्ले दिया गया है जिसमें आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है। वहीं पे स्क्रीन साइज लगभग 11 inches का है और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो 81% के अराउंड स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, जो कि काफी डिसेंट है टैबलेट्स के लिए। क्योंकि देखिए टैबलेट्स में बेजल्स देना जरूरी होता है, क्योंकि जब आप होल्ड करते हो स्क्रीन को तो उसमें थोड़ी सी गैपिंग होनी चाहिए, वरना आपका थंब बार बार स्क्रीन से टच करता रहेगा। बाकी गाइस ये जिस बजट में आता है अंडर 15,000 आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको TFT LCD यूज करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एंड व्यूइंग एक्सपीरियंस, बाकी इसके एंगल देखते हो व्यूइंग एंगल तो वो भी काफी अच्छे आते हैं। यूट्यूब प्लेबैक की बात करें तो मैक्सिमम 1080p का आपको प्लेबैक देखने को मिलता है, बट आप मैं आपसे इतना कह सकता हूँ कि कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी डिस्प्ले एक्सपीरियंस में। तो ऑनलाइन लेक्चर्स लेने हो या फिर आपको मूवीज देखनी हो लंबे टाइम तक, या फिर इसमें कोई भी ऐसा सर्फिंग करनी हो, ब्राउजिंग करनी हो, तो डेफिनेटली आपको इसकी डिस्प्ले पे ट्रस्ट करना चाहिए और आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी इसकी डिस्प्ले। अब गाइस जरा इसकी परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 695, जो कि यहाँ पे दोस्तों 6 नैनोमीटर पे बना प्रोसेसर है। और क्लॉक स्पीड की बात करें तो ये 2.2 GHz तक मैक्स क्लॉक कर सकता है। फिलहाल अगर मैं बात करता हूँ मेरा UI एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो उसमें मुझे कोई भी ऐसा इशूज नहीं लगे, कोई भी ऐसा मुझे लैगिनेस फील नहीं हुई। ये सैमसंग डेक्स को भी सपोर्ट करता है तो वो भी मैंने चला के देखा, वो भी सीमलेसली काम कर रहा है। वहीं पे गाइस इसका एंटूटू स्कोर 4,24,000 के अराउंड आता है, जो कि मैं कहूंगा कि रैम कैपेसिटी और प्रोसेसर साथ ही में प्राइस को देखते हुए काफी डिसेंट है। बट 8GB रैम से गाइस रैम मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है, और टैबलेट्स में 2024 में देखा जाए तो 4GB थोड़ा सा कम हो जाता है। लाइक टैब S6 लाइट देखो, टैब S7 FE देखो, तो अब आप देखोगे कंपनीज भी 8GB वाले वेरियंट्स के ज्यादा फोन टैबलेट्स बना रही है, तो रैम मैनेजमेंट के में भी यहाँ पे बेटर है। वहीं पे UI एक्सपीरियंस में भी ये चीज का आपको फायदा देखने को मिलेगा। बाकी इसमें थोड़ी बहुत मैंने गेमिंग भी करके देखी, अगर आप इसमें गेम भी खेलना चाहते हो तो कॉल ऑफ ड्यूटी एशवार जैसे हाई ग्राफिकल गेम्स आप खेल सकते हो, मैंने हाई सेटिंग्स पे टेस्ट करके देखा और एज सच गाइस कोई हीटिंग इश्यूज मैंने फेस नहीं करे। फिलहाल टैबलेट्स उतना ज्यादा मैं स्ट्रॉन्ग नहीं कहूंगा कि बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस देता है, बट फिर भी स्नैपड्रैगन 695 एक काफी कैपेबल प्रोसेसर है, जो कि आपको हल्की फुल्की गेमिंग अच्छे से करा देगा। अब दोस्तों जरा इसके कैमरा पे आ जाते हैं तो यहाँ पे देखिए 8MP का एक पीछे कैमरा दिया गया है और 5MP का आगे कैमरा दिया गया है। सैंपल्स देखो तो कुछ डिसेंट सैंपल्स आते हैं, बहुत उतने अच्छे तो नहीं है, लेकिन टैबलेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू में उतना कैमरे को प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। आपको काफी डिसेंट चीजें मिल जाती है, लाइक अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करना है या फिर ऐसे नॉर्मल पिक्चर भी क्लिक करनी है, वीडियो कॉलिंग करनी है, तो आपका काम हो जाएगा। और मोर में भी कुछ फीचर्स मिल जाते हैं लाइक प्रो मोड, नाइट मोड, हाइपरलैप्स, पैनोरमा और फूड मोड को आप ट्राई आउट कर सकते हो। तो प्राइस को देखते हुए मुझे कैमरा फीचर्स भी डिसेंट लगे, लेकिन जब ये लॉन्च हुआ था तब थोड़ा सा लोगों ने कहा था ओवर प्राइस है, बट अभी गाइस प्राइस देखोगे तो 18-19 हज़ार है, बैंक ऑफर के बाद 13-14 हज़ार में मिल जाता है। डेफिनेटली ये एक वर्थ बाई हो जाती है कैमरा डिपार्टमेंट को भी देखते हुए। दोस्तों जरा इसके बैटरी बैकअप की बात करें तो आपको देखो इसमें 7040 mAh की बैटरी मिलती है, अप्रॉक्सिमेटली 7000 mAh समझ लेते हैं हम लोग। अमेजिंग बैटरी बैकअप आपको मिलेगा इसका, मैं स्टैंड बाई बता देता हूं दोस्तों, 25 दिन का स्टैंड बाई रहा है यहां पे और सिर्फ 3% का इसमें बैटरी ड्रेन दिया था 25 दिनों में, मैंने जो यहाँ पे ऑब्जर्व किया था। अमेजिंग बैटरी बैकअप है, आप अगर इसको यूज भी करते हो मैक्सिमम 10-10 घंटे भी चलाओगे तो 2.5 से 3 दिन तक आराम से आप इसको खींच के ले जा सकते हो, क्योंकि देखिए जो टैबलेट्स होते हैं उनको उस तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाता है कि लंबे टाइम तक आप मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस पे फोकस कर पाओ, तो डेफिनेटली आपको कोई भी यहाँ पे बैटरी रिलेटेड इश्यूज नहीं आएंगे। बट अगर मैं आपको चार्जिंग स्पीड बताऊं तो 15W की देखो फास्ट चार्जिंग आपको मिलती है, सुपर फास्ट इसमें नहीं आती है 25W की, सिर्फ 15W ही तक मिलेगी। इन बॉक्स भी आपको कोई भी चार्जर नहीं मिलेगा, सिर्फ Type-C to Type-C केबल आती है। अगर आपके घर में किसी भी कंपनी का स्टैंडर्ड चार्जर है तो काम आपका हो जाएगा, वरना आपको एक चार्जर 400-500 रुपए का खरीदना पड़ेगा।
बाकी बैटरी रिलेटेड आपको कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। अब गाइस इसके अगर हम लोग सॉफ्टवेयर अपडेट्स की बात करें कितने अपडेट्स मिलेंगे, तो यहां पे देखिए कंपनी ने कहा है कि आपको 2 साल के ओएस अपडेट्स देगी और 4 साल तक आपको सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते रहेंगे। अभी करंट में इसमें गाइस एंड्रॉइड 13 चल रहा है, क्योंकि अभी 3 महीने पहले लॉन्च हुआ था, तब एंड्रॉइड 14 आया नहीं था। एंड्रॉइड 13 और वन यूआई 5.1.1, ये जो वर्जन होता है यूआई का, ये स्पेशली टैबलेट्स के लिए डिजाइन किया जाता है। तो इसमें आपको फीचर्स भी भर भर के मिलते हैं, सैमसंग डेक्स मिलता है, गुड लॉक आप चला सकते हो इसमें फाइन लॉक के थ्रू, बाकी अदर सारे फीचर्स मिल जाते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिलती है आपको वहीं पे, क्विक शेयर मिल जाता है, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट आपको मिलता है वहीं पे, आप इसमें एक्स्ट्रा डेम प्रोटेक्ट बैटरी सिक्योर फोल्डर जैसी चीज़ें भी यूज कर सकते हो। अब दोस्तों आ जाते हैं फाइनली स्पीकर्स के ऊपर, जो कि एक बहुत बड़ा पॉइंट रहता है टैबलेट्स में। यहाँ पे आपको पहली बार क्वाड स्पीकर्स मिलते हैं, जो कि 15,000 के नीचे पहली बार आपको किसी टैबलेट में मिल रहे हैं। डेफिनेटली अमेजिंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, क्योंकि इसके जो स्पीकर्स हैं वो एक्सट्रीम लाउड है। मैं कहता हूँ, मैंने टैब A9 का भी रिव्यू किया था, उसमें सिर्फ 2 स्पीकर आते थे, लेकिन इसमें दोस्तों 4 स्पीकर्स हैं। अमेजिंग, मैं आपसे कितना ही कहूँ, कितनी इसकी तारीफ करूँ, क्योंकि लिटरली स्टीरियो स्पीकर्स में आपको मजा ही आ जाएगा जब आप इसमें मल्टीमीडिया कंजम्पशन करोगे, किसी मूवी को देखोगे या फिर गाने सुनोगे। तो अब गाइस एक फाइनल वर्डिक्ट पे आ जाते हैं कि क्या आपको ये टैबलेट देखना चाहिए कि नहीं। तो डेफिनेटली इस समय जो करंट प्राइस चल रहा है, आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, मोबाइल से मैंने निकाला है, 14,000 रुपए में, तो ये एक वर्थ बाई है, क्योंकि 8 GB रैम आज से पहले सैमसंग ने कभी भी 15,000 के नीचे नहीं दिया, 20,000, मैं कहता हूँ 30,000 के नीचे भी 8 GB रैम नहीं आया कभी, क्योंकि टैब S7 FE 4 GB रैम आपको 30,000 रुपए में मिलता है। तो बिल्कुल आपको इसको एक बार ट्राई करना चाहिए अगर आप एक टैबलेट लेने का यहाँ पे सोच रहे हो। मैंने लिंक्स दे रखी हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग चेकआउट करो, बाकी आपके कुछ भी सवाल हो तो वो सब आप यहाँ पे पूछ सकते हो। वहीं पे आई बटन पे मैंने आपको वीडियोस की लिंक दे रखी है, इसके हिडन फीचर्स देखो जाके, इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस देख सकते हो। तो बस गाइस बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, अब चलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।